जय साई राम। नमस्ते फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हमारा जो सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं वो लोग सवाल पूछ रहे थे कि कौन सा प्लगइन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना जो वोकल ट्रैक है उसमें, कौन सा वोकल प्लगइन्स हम लोग स्पेशल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इसलिए आज ये वीडियो बनाया तो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ये है हमारा जो सेशन, देख रहे हैं आप, इसमें एक गाना है, आप एक बार गाना को सुन लीजिए। तुम हुए क्यों पता मुझसे यूं जुदा, तेरे बिन सोना है ये जहां। तुम हुए क्यों पता मुझसे यूं जुदा, तेरे बिन सोना है ये जहां। आ भी जा पास तू ऐसे ना सता, तेरे बिन अब जाऊं कहां। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं जो वोकल ट्रैक आप देख रहे हैं, वोकल ट्रैक यहाँ पे है, इस वोकल ट्रैक में पहले कैसा था, ऐसा कुछ था वोकल ट्रैक, रॉड टोन कैसा था, सुनिए। तुम हुए क्यों पता मुझसे यूं जुदा, तेरे बिन सोना है ये जहां। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त हमको इस तरह से वोकल को लेना पड़ा ताकि उसका हर एक वर्ड, हर एक सांस का जो आवाज, सब कुछ मेरा सामने आ जाए ठीक ठाक से। इसलिए मैंने उसी हिसाब से अपना जो चेन बनाया है आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते वक्त मैंने सिर्फ एक छोटा सा कंप्रेसर लगाया था, और अभी जब रिकॉर्डिंग हो गया है, मतलब जब इस ट्रैक का रिकॉर्डिंग हो गया है वोकल ट्रैक का, उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद एक वोकल जो ट्रैक है इसके ऊपर मैंने कुछ प्लगइन्स लगाए हैं। अभी कौन सा प्लगइन्स लगाए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने लगाया है CLA 76, ये है एक कंप्रेसर, आप इसको चेक करिए, एक कंप्रेसर है। एक्चुअली ये ब्लूई कंप्रेसर है, मतलब इसका रिविजन, दो टाइप का रिविजन मिलता है CLA 76 का, एक ब्लूई है एक ब्लैकी है। ब्लैकी में थोड़ा सा अटैक फास्ट आपको मिलेगा, फास्ट अटैक मिलेगा, लेकिन ब्लूई जो है आपको एक सॉफ्ट टोन देगा, बहुत ही टोन, मतलब वोकल के लिए, प्राइमरी वोकल के लिए बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट देता है। आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैंने CLA 76 यहाँ पर लिया है और उसका ब्लू वर्सन, और जो बाकी जो प्लगइन्स मैंने लिया है ये सब प्लगइन्स लेकिन बाईपास है। और अब सुनिए वोकल में क्या किया है। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा लेवल कम करता हूँ क्योंकि वो 0 dB में बज रहा है, और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि इसका जो पीक लेवल बहुत हाई जा रहा है। लेकिन टोन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 0 में रख के सब कुछ चेक करना पड़ेगा। देखिए, अपनों ने ठुकराया हर मोड़। साथ में मैं जो रिवर्ब चेंबर जो लगा है, रिवर्ब एंड डिले, दोनों को बंद करता हूँ। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी। जबकि ये काटा आपको -7 -8 तक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पीक लेकिन दे रहा है -3.4 dB फाइनली। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आप इसका रिलीज डेट है या अटैक रेट तय करेंगे। मैं अटैक रेट को थोड़ा सा और स्लो करता हूँ। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर। तो मैं अभी ये जो वर्सन यूज किया है, एक्चुअली ये एक लाइट कंप्रेशन देता है ताकि वोकल को एक प्रॉपर डायनेमिक लेवल आपको मिल जाए वोकल पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्लगइन्स है, ये प्लगइन्स को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको वापस करता हूँ, और पहला वाला जो CLA 76 था उसको चालू रखते हुए अभी क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये कौन सा फ्रीक्वेंसी मेरे को दे रहा है। मैं देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे हाई पास फिल्टर को थोड़ा सा खा गया हूँ। कितना खा गया हूँ, 160 फ्रीक्वेंसी जो है,
160 फ्रीक्वेंसी में तो 160 हर्ट्स मैं खा गया हूँ, और उसका जो ऑक्टेव है वो मैं 18 ऑक्टेव तक मतलब तो खा गया हूँ। मैं चाहूँ तो इसका 12 ऑक्टेव भी कर सकता हूँ, और उसमें हमको ये जो फैलानापन जो बैंड है, एक नंबर बैंड, दो नंबर बैंड, तीन नंबर बैंड, चार नंबर बैंड, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लो पास फिल्टर, सबको मैं यहाँ से एक थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मेरे को वो जो टोन हमको चाहिए वो टोन में हम पहुँच गए। अब इसको सुन के देखिए। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर। इसमें देखिएगा बेसिकली क्या है, ये कुछ हाई पास फिल्टर देख रहे हैं, इसमें हमने 160 हर्ट्ज तक खा गया था, तो इसको हम थोड़ा सा और भी थोड़ा सा वाइड कर देंगे, 129 या 21 थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी को खा गया हमने। अभी देखते हैं इसमें अपनों ने साउंड कैसा आता है। आया हर मोड़ पर, तो लो आपको मिल रहा है ठीक ठाक से, चल जैसे आपको लो ठीक ठाक मिल रहा है आपको लगेगा कि हाँ ठुक ठाक मिल रहा है, तो आप इन दोनों को एक बार बंद करके सुने, कंट्रोल क्लिक करने से ही बंद हो जाएगा। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, क्लिक पर देखिए, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर, कंट्रोल नहीं है, -2.2 dB आ गया, लेकिन इसको अगर ऑन करते हुए हम अगर सुनेंगे तो सुनिए। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि अभी इतना फ्रीक्वेंसी को लेकर हम बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये है F6 रियल टाइम एनालाइजर, इसको आप जो फ्रीक्वेंसी को देखते हुए भी आप इसको मतलब एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने पहले CLA 76 लगाया वोकल ट्रैक में, और ब्लू वर्सन, उसके बाद F6 RTA लगाया और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया, उसके बाद लगा दिया DSR। आप देख रहे हैं एक्चुअली आपको पता है DSR किस काम के लिए है, DSR बेसिकली जो सिबलिंग साउंड होता है गाना गाते वक्त, जो सिबलिंग साउंड होता है श प ऐसा कुछ होता है, तो सिबलिंग साउंड को मैनेज करता है, तो DSR को मैं चलाते हुए एडजस्ट कर लिया। देख पा रहे मोड़ पर छोड़ गए, तो ये जो एटेंशन हो रहा है सांस का आवाज बोलिए नहीं तो श ऐसा कुछ आवाज जो सिबलिंग साउंड देते हैं उसको जो मैनेज करते हैं, मैनेज करने के लिए DSR लगाया है। और फिर जाके हमने एंड ऑफ दिस चेन मैंने लगाया SSL चैनल। अब देखिए SSL चैनल ई चैनल लगाया, मैंने जी चैनल नहीं लगाया, यहाँ पे SSL का दो टाइप का चैनल यहाँ पे इक्विज मिलता है, तो मैंने SSL ई चैनल लगाया। और यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर में काम किया, क्योंकि वहाँ पे आपको शायद क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप तो F6 देखे भी यहाँ पे EQ किया, फिर यहाँ पे जाके SSL चैनल में EQ करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वहाँ पे जिस बैंड मैंने एडजस्ट किया है यहाँ पे, लेकिन उसी बैंड पे सेम मतलब क्वालिटी को मैंने नहीं रखा, थोड़ा सा छेड़खानी किया वहाँ पे, और देखता रहा कि कहाँ तक जाके साउंड मतलब जो वोकल का जो साउंड है, तो वोकल का हर एक का जो वर्डिंग है वो वर्डिंग सामने डालने के लिए थोड़ा सा EQ करने का ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिल्टर में EQ किया है, उसके बाद डायनेमिक्स में थोड़ा सा छेड़खानी की, उसके बाद एक्सपेंडर में, यह देखिएगा मैंने एक्सपेंडर में काम किया है, गेट में नहीं, अगर गेट करेंगे तो अलग बात हो जाएगा, लेकिन गेट में नहीं करेंगे, आप एक्सपेंडर में थोड़ा सा काम किया है, और उसके साथ साथ उसका जो आउटपुट है आउटपुट में थोड़ा सा काम किया है, मतलब लेवल को कम ज़्यादा किया है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि साउंड चारों को मिलके कैसे आया है। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। अब देखिए अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, इसका जो हाईएस्ट पिक पॉइंट -3.1 में दिखाया है, कर थोड़ी दूर पर। अभी हर पल इसको मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों किया सर, मैंने उसको आपको बाईपास करके सुनाता हूँ। चलिए अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर,
छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। तो आप देख रहे हैं इसमें जो वोकल साउंड जो आ रहा है इसमें ना हाई मिड रेंज कवर थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई दे रहा है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा लो एंड है वो भी सुनाई दे रहा है, तो ये हमको नहीं चाहिए। और ओवरऑल हमको अगर देखना है कि डायनेमिक साउंड मिल रहा है कि नहीं, तो चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं डायनेमिक साउंड यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि इस ट्रैक पे हम लोग काम किया तो इस ट्रैक के नीचे और एक वोकल ट्रैक और एक ऑडियो ट्रैक हम क्रिएट करते हैं टेस्ट बोल के, इसको नाम देते हैं टेस्ट। अभी चलिए उधर चलते हैं, इसका आउटपुट जो है बास लंबा बास देते हैं नंबर, ये तो मोनो था तो हम लोगों ने इसका वो आउटपुट मोनो ही लेंगे, कोई भी 5 नंबर बास, और इसका इनपुट भी 5 नंबर बास से ही लेंगे। अब इसको सोलो करता हूँ और इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सुनिए एक बार। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। तो ये था विदाउट एनी कंप्रेसर क्लोजर डिक्लेसर सब कुछ 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 नहीं लगा यहाँ पे, तो उसमें रिकॉर्डिंग का जो वैल्यू जो आया था जैसा वैल्यू ऊपर है वैसा ही वैल्यू नीचे देखिए, है ना। लेकिन जब मैं इन चारों को ऑन कर दूंगा आप देखिए सेम चीज का जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे थोड़ा सा चेंजेस आएगा उसके अंदर, चलिए देखते हैं। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। हर पल तेरी याद है सताए, चाहे मिलकर फिर लौट जाए। हर पल तेरी याद है सताए। तो देख रहे आप ये जो फाइल था एक्चुअली ये फाइल को देखिए पीक लाइन SPL बहुत ऊपर नीच कर रहा है, मतलब बैलेंस नहीं था। लेकिन वही चीज़ मैं जब यहाँ पे रिकॉर्ड किया आपको एक कंप्लीट डायनेमिक लेवल मिल गया है, ठीक है। इसको जूम कीजिए, ये कंप्लीट डायनेमिक आपको लेवल मिल रहा है। तो ऐसा ही डायनेमिक लेवल पाने के लिए हम लोगों ने ये जो यहाँ पे जो सेटिंग हमने दे रखा था इसको मैंने यूज़ किया है। एक्चुअली डिपेंड करता है किस टाइप का वॉइस आपको सामने आ रहा है। इसको मैं म्यूट कर देता हूँ और इसको मैं आपको सुनाता हूँ जो रिवर्ब एंड डिले है इसको चालू करके बाकी सब ट्रैक के साथ आपको सुनाता हूँ, सुनिए। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। अपनों ने ठुकराया हर मोड़ पर, छोड़ गए चलकर थोड़ी दूर पर। हर पल तेरी याद है सताए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप ऐसा कुछ ट्रेनिंग करेंगे, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक अपना ख्याल रखना, नमस्ते जी।